마섬 제메 제로 바레 제마 예메가 나게고 니 소소라레 예시지 대순 제베 용라샤잔로 대다 가데 가데 바랑 가데 바라 삼가데 부데서 대다 가데 가데 바랑 바라 삼가데 부데서 대다 가데 가데 바랑 바라 삼가데 부데서 년두시 와서노 귀신이 신이시 전세 돌아펴보자노 랑신이 신시된 등로자 와가 가다 양다 댐벼도노 남보근대노 소데스 研究讲究三百少些三节今年用得了恰子咯刚给登进之后就搞不明白见面吧下班没我当没我我没我中他得对面对见面这帮人是写的不做不上见我能当不得了恰子咯刚给读这些时候呢到我的这帮没写的没写的等这边挂当得了恰子咯 तो कल जो धर्म का एक परिचय दिया गया था और खास करके आज जो भगवान बुद्ध के जो धर्म है वो रत्नावली ग्रंथ के आधार पर यहाँ प्रवचन प्रारंभ होगा तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का धर्म भारत से प्रारंभ हुआ तो जैसे कि अगर अध्ययन का देखें कि सबसे पहले तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला इत्यादि विश्वविद्यालयों में वहाँ पर पठन पाठन तर्कशास्त्र हुआ करते थे और उसके इन सभी में से अगर देखा जाए तो नालंदा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ और जैसे कि नागार्जुन को भी देखें कि नालंदा के प्रकांड विद्वानों में से एक थे और उनके द्वारा रचित जो रत्नावली ग्रंथ आपके समक्ष है तो अभी आपने प्रज्ञापारमिता जो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र पाठ किया उसके बाद आप कहते हैं कि जो हमारे त्रिविष हैं राग द्वेष मोह वो नष्ट हो जाएं तो हालांकि इसमें कोई अलग से तो धर्मों में कोई अलग से कोई शब्द के ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए कि क्लेशों के हम सब अधीन हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रेम करुणा की आवश्यकता रहती है सभी धर्मों में इसकी व्याख्या की जाती है और तो बौद्ध धर्म में के अनुसार देखें कि वो कर्म फल को मानते हैं और अन्य परंपराओं के अनुसार के तरह कि कोई वो नित्य नहीं है और हेतुओं से बने होते हैं तो हमें अगर दुख है तो उसको उनके हेतुओं के दुखों के हेतु क्या उनको जान करके उनको नष्ट करना चाहिए तो सबसे पहले एक नित्य एक हेतु एक फिर अनित्य हेतु और एक उनके जो शक्ति या बलशाली जो हेतु होते हैं तो भगवान बुद्ध के सारे जो पहले ऐसा नहीं है कि वो नित्य नित्य हेतु से उत्पन्न हो ऐसा भी नहीं है तो इसके द्वारा सिद्ध किया जाता है कि बुद्ध जो हैं कोई नित्य हेतु से नहीं बने हैं तो हेतु भी अपने हेतु से ही उत्पन्न होते हैं उसके भी अपने हेतु होते हैं वजह होते हैं उसमें परिवर्तन होते हैं तो परिवर्तन जिसमें होते रहते हैं वही अनित्य कहलाता है और अनित्य होने के वजह से तो हमारे जो क्लेश हैं अज्ञानता हैं उनमें भी परिवर्तन आ सकता है तो कोई भी अगर सुख या दुख हो तो वो हेतुओं से उत्पन्न होगा तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो हेतु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे जो क्लेश राग द्वेष मोह इनको नष्ट करने के लिए इनको निरंतर जानने की आवश्यकता रहती है जिनको जानना चाहिए और जो जहाँ तक क्लेश हैं उनकी कोई नित्यता नहीं रहती है उनके कोई स्वभाव नहीं होता है वो केवल और केवल हमारे चित्त में क्षणिक समय के लिए आ जाते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है
और जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो उस तरफ हमारा जो मन है वो चला जाता है। और उस चीज़ को हमें जानने की कोशिश भी करना चाहिए कि वास्तविकता किस प्रकार से है। और इस तरफ देखा जाए तो जो चित्त है उसमें उसका स्वभाव क्लेश युक्त नहीं है, क्लेश से रहित है। तो लेकिन कुछ समय के लिए उसमें क्लेश आकर के जुड़ जाते हैं। तो ऐसा, और हमारे जहाँ तक बौद्ध दर्शन के अनुसार जो चित्त है उसका आदि और अंत नहीं माना जाता है। तो ये जो हमारे चित्त के स्वभाव हैं अपने आप में अगर देखा जाए तो प्रवासर हैं, वो स्पष्ट होते हैं। और सारे के सारे सत्व जो जीवधारी हैं वो वही चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार का दुख न मिले, सुख मिले। और तीन जो हमारे विष हैं, राग द्वेष मोह, तो उनको कैसे करना चाहिए? तो आप लोग जो चीनी लोग हैं, अमितो नमो अमितो भी अगर करते रहें तो उससे संभव नहीं होगा। तो आप फिर को आपको किस प्रकार से अपने क्लेशों को नष्ट करना है, उसके लिए प्रज्ञा का उपयोग करके अपने ज्ञान के द्वारा ही हमें को जानना चाहिए। जहाँ प्रज्ञा की भी अगर बात कहा जाए तो वो अच्छी तरह से प्रज्ञा होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका जो वास्तविकता उसको जान सके। और जितने भी हमारे क्लेश इत्यादि हैं तो उनको समझने के लिए भी अगर आप देखो, और जहाँ तक श्रावकों को भी देखो तो श्रावक भी जो हमारे क्लेश हैं वो भी सील समाधि प्रज्ञा के द्वारा क्लेशों को नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी जो तीर्थ शिक्षा है वो समान है सभी, चाहे हमारे जो श्रावक यान हो या बोध सत्व यान, सब में समान होते हैं। तो हमारे तीन जो 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 जहाँ तक तीर्थ शिक्षा है, तीर्थ शिक्षा का अभ्यास समान है, और उसमें भी बुद्ध चित्त का हमें उत्पाद करने की आवश्यकता है। और इतना ही कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न नहीं है हुई है तो उसको जितना हो सके बार बार प्रज्ञा को उत्पाद करने की कोशिश करें। और इसको अगर आप देखेंगे तो वही एक प्रकार से जो हमारी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा रूपी शिक्षा, तो उनको हमें अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना चाहिए। और इसको समझने के लिए और कि हमें समाधि की आवश्यकता रहती है, वो समाधि ठीक हो उसके लिए स्मृति की जरूरत रहती है। तो उसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक संभार हैं उनकी भी जरूरत रहती है। तो सबसे पहले अभ्यास करते समय अपने मन को एक स्थिर करना चाहिए, स्मृति में लगाना चाहिए। उसके साथ साथ अपने काय, वाक और मन, वो तीनों के जो कर्म हैं उनको देखना चाहिए। और तभी स्मृति के द्वारा हम संप्रजन रक्षण करने की आवश्यकता रहती है। बिना संप्रजन रक्षण किए संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा शील और समाधि और प्रज्ञा की जो तीन शिक्षाएं हैं, त्रि शिक्षाएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अक्सर जो चीनी भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसका अर्थ जो है, उसका मूल अर्थ है, तो रत्नावली में कहा गया है कि अगर आप अवस्था में बोधत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए बोध चित्त को उत्पाद करना चाहिए। और इसमें भी कहा गया है और जितने भी हमारे अंदर के जो जितनी बुराइयां हैं, जितनी क्लेश हैं, वो नष्ट हो जाएं, और सारे के सारे गुण की प्राप्त हो जाना ही बुद्धत्व कहलाता है।
और वो जब आप बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे तो आप सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेते हैं और सारी की सारी जो धर्म है, जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं, तो तुरंत आप उनको जान जाएंगे एक ही बार में। और फिर बुद्धत्व की प्राप्त करने के लिए भी बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बोध चित्त बोधि का एक प्रकार से मूल है या जड़ है। तो उनको बोध चित्त को उत्पाद करने के लिए भी प्रेम और करुणा की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ परहित दूसरों के हित के जो चित्त है वो उत्पन्न होना चाहिए, और वो भी किस जो हमारे आकाश के समान अनंत प्रकार के सत्व हैं, जीवधारी हैं, उनके हित के लिए हमें बोध चित्त का उत्पाद करना चाहिए। और कहा जाता है कि जो करुणा है वो जो जीवधारियों पर निर्भर होती है, और प्रज्ञा और हमारी जो कि बोधि पर निर्भर करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा प्रज्ञा है वो बोधि पर निर्भर होती है, अर्थात शून्यता का जो दर्शन है, शून्यता का ज्ञान उस पर आधारित रहती है। और वास्तव में जो क्लेश को नष्ट करने के लिए आप चाहो कि प्रत्यक्ष रूप से बोधचित्त है, वैसा नहीं है। उस जो क्लेश को नष्ट कर सकता है वो हमारी प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा के द्वारा क्लेश नष्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर सार के रूप में कहा जाए कि तो भगवान बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है, तो उन्होंने जो आधार एक दो सत्य, फिर उसके बाद मार्ग जो प्रज्ञा पारमिता, और उसके साथ साथ जो निर्माण कार्य और संभोग कार्य धर्म का, इनको प्राप्त करना, तो फिर उसके साथ साथ संभार की आवश्यकता रहती है, ज्ञान संभार और पुण्य संभार। तो संभारों को कर कर के हम जो है कि अपने जो काय को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ उसके बाद शून्यता का अभ्यास करके और हम धर्म काय को प्राप्त कर सकते हैं। उस और तो दूसरों का हित करने के लिए जो रूप काय की आवश्यकता रहती है, परहित के लिए एक प्रकार से जो धर्म का है उसकी आवश्यकता रहती है। अगर आप उस जो धर्म काय को प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पूर्व आपको जो रूप काय है उसको प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है, वो करनी चाहिए। तो उसके प्राप्त करने के लिए जो पुण्य संभार और ज्ञान संभार दोनों की आवश्यकता रहती है, इनको करना चाहिए। तो आप लोगों को जो चाय मिली है वो चाय पिए। और जहाँ तक धर्म का सार के रूप में देखें, तो बोधचित्त और शून्यता का दर्शन ये धर्म के सार हैं। और जहाँ फल की प्राप्ति कहें कि रूप का है और ज्ञान का है, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए हमें दिन प्रतिदिन हर रोज इनका अभ्यास करना है, और वो भी अभ्यास करें तो जो बोधचित्त परहित रूपी बोधचित्त, उनका अभ्यास करें। और बोधचर्या अवतार में भी इसमें कहा जाते हैं कि कहते हैं कि दुनिया में जितने भी दुख प्रकार के जो दुख हैं वो हमारे जो आसक्ति है उसकी वजह से आते हैं, और जितने प्रकार के सुख हैं वो परहित करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक परहित अगर करोगे तो परहित करने से सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप मैं और या फिर स्वार्थी चित्त रखोगे तो उससे दुख ही प्राप्ति होगी, आपको बहुत ज़्यादा जो सुख की प्राप्ति होगी ऐसा संभव नहीं होता है। चाहे इस जीवन में हो और इस जीवन में रह करके जितना हो सके आप परहित के लिए अगर कार्य करते हैं तो लाभ रहेगा, और या फिर उसी समय ऐसी जीवन में दूसरों के बारे में ध्यान न दें, अपने स्वार्थी रूपी चित्त को उत्पन्न करें तो उतना ही ज़्यादा दुख होगा, उतने ज़्यादा आप परेशान होंगे।
तो ये कहते हैं बुद्ध चर्या अवतार में कि अगर आप अपने स्वार्थी चित्त रखोगे तो आप चाहे बुद्धत्व की प्राप्ति क्यों न कर लो, फिर भी आपको दुख की प्राप्ति ही रहेगी। तो इसलिए ये आपका जो स्वार्थी चित्त है उसको छोड़ करके परहित रूपी चित्त को उत्पाद करने की आवश्यकता रहती है। और तो जहाँ तक बोध चित्त को उत्पाद करने की बात करें तो अपने को छोड़कर दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंतन किया जाता है। और इस प्रकार से देखें कि केवल स्वार्थी अगर चित्त रखोगे तो वो एक प्रकार की जो सोच है बहुत छोटी सोच रहती है। तो इसलिए जो शांतिदेव ने भी कहा है कि भवचक्र में रहकर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो गए, तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 अरब के आसपास लोग हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि उनको सुख मिले, लेकिन सभी लोगों को दुख है, क्योंकि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो हम लोगों ने बनाए हैं। तो आप जैसे जब बच्चों को देखें तो बच्चों में उतनी ज़्यादा आसक्ति, उतना ज़्यादा एक दूसरे को जो एक बेवकूफ़ बनाने वाले चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, क्यों जब बच्चे होते हैं तो बच्चे में हम होते समय हर चीज़ों को अच्छी तरह से करते रहते हैं अपने अच्छे मन से। तो बच्चे लोगों को केवल कोई चीज़ खाने चीज़ की टॉफ़ी इत्यादि मिल जाए उतना ही उनका सोच रहता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है फिर उसके बाद हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, ईर्ष्या करना, घृणा करना ये हम प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारी सोच है वो नहीं होनी चाहिए। तो आज आप देखोगे कि दुनिया में हर जगह जो झगड़े फसाद होते हैं, तो युद्धों को भी देखो तो युद्ध करने के लिए कोई चाहो कि बच्चों के द्वारा युद्ध हो जाए वैसा संभव नहीं होता है। युद्ध तभी होते हैं जब मैं और पर, मेरा देश या दूसरे का देश, तो इस प्रकार की जब भावना आ जाती है तो उस समय युद्ध होते हैं। तो मुझे लगता है युद्ध इत्यादि होते हैं वो सामंत जो व्यवस्था उसके वजह से युद्ध इत्यादि होते हैं। तो उस समय क्या होता था कि जो समाज में आकर के राजा बनने की एक परंपरा थी, तो वो अपने अधिकार को अपने अधीन रखना चाहते थे। तो अपने जीवन में अगर देखो तो सभी लोग अपने के लिए चाहते हैं, स्वार्थी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसके बाद जब खुद लोग भी चाहता कि मैं भी इस तरह से बनूँ, मैं भी राजा की तरह बनूँ, तो फिर एक दूसरे के साथ झगड़े होते थे, एक दूसरे की हत्या करते थे, उनके धन संपदा इत्यादि दूसरा राजा छीनने की कोशिश करते थे। तो मुझे लगता है कि जो जहाँ तक जो जितने भी युद्ध हुए हैं वो ये प्रकार की राजशाही व्यवस्था या सामंती जो व्यवस्था है उसकी वजह से आए होंगे, हुए होंगे। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति जो है उसको हम बहुत दूर का समझ लेते हैं, उसको न समझ के वो हमारे नज़दीक का ही इस तरह से मानना चाहिए। तो इस दुनिया में लोगों को साथ है झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, और ये तभी आता है जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वार्थी मान लेते हैं, तो सिर्फ अपने के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार की सोच हटा करके परहित के बारे में चिंतन करना चाहिए। और जितने भी जीवधारी हैं वो सभी चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का दुख न मिले और सारे के सारे सुख की प्राप्ति हो। और हम लोग प्रार्थना भी कहते हैं कि सारे के सारे सत्तों को दुख न मिले, सुख मिले। और हम लोग 4 ब्रह्म विहार जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो 4 अनंत प्रकार की एक प्रकार के जो प्रार्थनाएं करते हैं, तो उन प्रार्थनाओं को करने के आधार पर हमें अभ्यास भी करना चाहिए कि जब हम सभी सत्तों के बारे में सोचते हैं उनके, तो उनको जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से क्या हम अभ्यास में ला सकते हैं। और अभ्यास में अगर लाओगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप भवचक्र में रहो भी, अगर आप बुद्धत्व को प्राप्त करना भी चाहो, कर भी लो, अगर बुद्धत्व जो बोधचित्त अगर आपके अंदर नहीं होगा तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से आपके दुख नहीं, दुख की प्राप्ति होगी। और कहा जाता है कि बोधचित्त रूपी घोड़े पर सवार होकर के हमें इस भवचक्र से पार जाकर के परहित करना है, सुख की प्राप्ति करनी है। और पहले आप अपने खुद अभ्यास में डालें, फिर अभ्यास में डालने के बाद अन्य लोगों के साथ भी इस चीज़ को आप बांटें।
और तो जहाँ तक बोधि चित्त को अगर देखें तो आपके इस जीवन के लिए ही लाभ होता है, और जब आप जो चाहे अंतिम समय के लिए हो तभी भी आपको लाभ होता है। समाज में अगर आप बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हो तब भी बोध चित्त का एक परम सहयोग रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बोध चित्त रूपी एक 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 घोड़े पर सवार होकर के बोधि की प्राप्ति करनी है। तो इसको अभ्यास करने के लिए दिन और सप्ते महीने वर्षों तक अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है, और इसको तभी अगर हो सकता है जब आप दूसरों को लाभ दोगे, दूसरों के बारे में चिंतन करोगे, तभी बोधि चित्त जो है उत्पाद हो सकता है। तो शायद भगवान बुद्ध का जो दर्शन है इस प्रकार रहा है। तो कभी जब मुझे छींक आती है तो मैं मजाक करता हूँ, तो मजाक इसलिए कहता हूँ कि शायद आपको नींद आ रही होगी, उस समय जब मैं छींक देता हूँ तो आपकी नींद भाग जाती है, तो शायद आप लोग कुछ सो गए होंगे तो आपकी नींद गायब हो जाए, इसलिए मैंने छींक लगाई। तो इसमें कहा जाता है कि पृथ्वी जल अग्नि वाय औषध और वन्य पृक्षों की भांति इसमें सदा समस्त लोगों के द्वारा स्वेच्छा से निर्विघ्न हों। तो मैं जितने भी सत्व हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनके लिए परहित करूँगा। और कोशिश भी हमारी यही होनी चाहिए कि दूसरों का हम किस प्रकार से लाभ कर सकते हैं, और अगर ये अगर हम बोध चित्त उत्पाद करेंगे तो जन्मों जन्मों तक ये मेरे लाभ आता रहता है। और केवल एक जीवन या फिर 100 जीवन इस प्रकार की बात नहीं है कि जब तक आकाश रहेगा और तब तक जितने भी सत्व हैं जीवधारी हैं तब तक मैं भी रह करके एक उनके सत्वों उनके दुखों को मैं दूर करूंगा। तो इस प्रकार की जो एक प्रेरणा है, इस प्रकार की आपकी जो एक कसम है, वो वाकई एक बहुत बृहद और बहुत ही गंभीर होती है। तो उसको अभ्यास करने के लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना आप अभ्यास कर सकें, और परहित अगर आपको अपना हाथ हित चाहते हो तो बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, परहित करना चाहते हो तब भी बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, और वो भी एक आकाश के समान जो अनंत प्रकार के जीवधारी उन सभी के लिए हमें बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। और यही कोशिश होना चाहिए कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक उनका हित करता रहूँगा। तो इसलिए बोध चित्त का अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ सहयोगी के रूप में शून्यता का सिद्धांत, शून्यता का दर्शन होना चाहिए। और भारत में जहाँ तक देखा जाए तो शून्यता का दर्शन कि भगवान बुद्ध ने जब पहला धम्मचक्र उपदेश दिया तो समय कहा था दुख आर्य सत्य दुख है दुख, फिर उसके जो दुख समुदय निरोध और मार्ग, तो चारों जो सत्य की व्याख्या की उसके साथ साथ कहा था कि सारे के सारे शास्त्रों धर्म जो है शास्त्रों वो एक प्रकार के दुख हैं इत्यादि। और तो जो पाली परंपरा हो चाहे संस्कृत परंपरा हो, दोनों परंपरा में भी अनात्म का पुद्गल अनात्म के जो व्याख्या की गई है। तो इसी प्रकार से और प्रज्ञापारमिता ग्रंथों में भी देखेंगे कि उसमें पुद्गल निरात्म के साथ साथ धर्म निरात्म की भी व्याख्या की गई है, और वो भी कहा गया कि जो भी पुद्गल है वो भी एक स्कंद के आधार पर उसकी जो शून्यता का व्याख्या की गई। तो प्रज्ञापारमिता हृदय जो सूत्र है उसमें कहा जाता है कि हमारे जो रूप स्कंद इत्यादि शून्य है, और जब पहले जब धम्मचक्र द्वितीय धम्मचक्र प्रथम जो उपदेश दिया गया था उसमें पुद्गल निरात्म की बात की गई थी, फिर द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में जो कि हमारे जो धर्म निरात्म है उसकी व्याख्या की गई। तो केवल पुद्गल ही अनात्म नहीं है, तो उसके जितने स्कंद हैं वो भी
एक प्रकार से शून्य है, वो भी शून्य, इस प्रकार से उनको धर्म निरात्मक कहा जाता है। तो नागार्जुन ने कहा था कि जब तक आप एक प्रकार के स्कंदों को धारण किए होगे तब तक आपके अंदर मैं की भावना या आत्म की भावना उतनी रहेगी, और उतने समय तक आपके जो सत्य ग्राहता जो चीज़ नहीं है उसको एक मिथ्या रूप में आप ग्रहण किए रहोगे। तो इसलिए जब तक आप इन स्कंदों को नष्ट नहीं करोगे तब तक आपके जो दुख नष्ट नहीं होंगे। इसलिए धर्म निरात्म और पुद्गल निरात्म दोनों प्रकार की जो निरात्म हैं उनको जानना चाहिए। तो पुद्गल जो कि शुद्ध स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो इनको जानना चाहिए कि किसका कोई भी एक आधार नहीं बनता है कि कोई स्वभाव से सिद्ध है। चाहे जो हमारा मन के विवाद अगर करें तो उसको एक प्रकार के जो पुद्गल है वो मन को कहा जाता है, तो वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। उसके साथ साथ जो हर तरफ व्याप्त एक प्रकार का प्रज्ञा कुछ उसको भी मानते हैं। तो जहाँ तक पुद्गल की बात करें तो वो केवल और केवल नाम मात्र के रूप में होता है। अगर वास्तव में अगर सिद्ध होगा तो वो ढूंढने से मिलना चाहिए, उस प्रकार से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर आप मन विज्ञान को अगर देखें तो वो अलग से होते हैं, और ज़्यादातर हमारे आसक्ति इत्यादि पैदा होने के जहाँ तक संभावना है वो हमारे इंद्रियों के इंद्रिय ज्ञान के द्वारा होते रहते हैं। मन के द्वारा आसक्ति इत्यादि पैदा नहीं होती है, लेकिन इनके आधार पर एक प्रकार मन में उसकी एक आसक्ति ज़्यादा स्थापित हो जाती है, जानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कि जहाँ तक विज्ञानवादी और माध्यमिक दर्शन वो भी केवल नाम मात्र के रूप में कहते हैं, और मन के सुख और दुख और वो तभी होते हैं जब हमें मिथ्या दृष्टि या मिथ्या ग्राह्यता रहती है, इस वजह से हमें दुख पैदा होते हैं। तो ये जानना चाहिए कि जो हमारा चित्त है कि वो सत्य ग्राहता से एक प्रकार से विरत है, शून्य है, उसमें कोई इस प्रकार की सत्यता ग्राहित नहीं कर सकते हैं, ये जानना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो माध्यमिक दर्शन तो उनके अनुसार वो भी एक गंभीर चित्त के द्वारा गंभीर एक जांच पड़ताल के द्वारा तो वो मानते हैं कि केवल और केवल नाम मात्र से वो आरोपित किए गए हैं, वो चाहे आंतरिक ग्राह्य हो बाहरी एक प्रकार की आसक्ति हो, तो जितने भी तरह के से हैं तो माध्यमिकों में भी देखें कि माध्यम प्रासंगिक और तो जैसे रांगी तिब्बती में और रावांग मतलब स्वतंत्र, इसका अर्थ एक प्रकार से समान है। तो जैसा जो कि माध्यमिक प्रसंग में कहा गया कि जिस प्रकार से आप चीज़ों को देखते हैं उसी प्रकार से वो है, तो ये जो चीज़ें हैं उसमें वो एक प्रकार से लौकिक रूप में, इसमें कोई हमें परीक्षण नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उसी प्रकार से वो सिद्ध है, ये इनकी मान्यता है, तो उसको वो एक सत्य की ग्राहता के रूप में मानते हैं। तो फिर उसके साथ साथ नागार्जुन ने जो कहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रतीत समुत्पन्न हैं, कोई भी अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं हो सकते हैं, कोई भी चीज़ स्वतंत्र तरीके से ढूंढने को नहीं मिलती है। और माध्यमिक जो अवतरण है उसमें भी इसकी व्याख्या की गई है। अगर आप स्व लक्षण को अगर आप मान लोगे
और उसके साथ साथ जो कि हमारे आर्य लोग समाधि में रहते हैं, तो वो कोई, तो फिर उसमें चार प्रकार के जो जो एक वहाँ पर तर्क दिए जाते हैं, जो जो प्रासंगिक लोग हैं वो चार प्रकार के तर्क देते हैं, तो अगर हम अच्छी तरह से अगर विचार करेंगे तो भारत के जो पूर्व के विद्वान थे वो काफ़ी एक श्रद्धा के पात्र जैसे हैं। कभी कभी मैं मजाक के तौर में कहता हूँ कि नालंदा के जो विद्वान हैं वो ज़्यादातर साउथ इंडियन थे, दक्षिणी भारत के हैं, तो हो सकता है कि साउथ इंडियन के जो लोग हैं उनके जो दिमाग है वो ज़्यादा तेज होते हैं, ऐसा मैं मजाक के तौर पर कभी कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो नालंदा के विद्वान हैं वो नालंदा से आए हुए हैं, नालंदा के जो विद्वान हैं वो साउथ इंडिया से आए हुए हैं, ऐसा है। तो नागार्जुन के ग्रंथ और नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं वो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए उससे एक प्रकार से जुड़ते हैं, तो उनको अगर आप देखोगे तो जो जो भी उन्होंने व्याख्या की है वो भगवान बुद्ध के सूत्रों की व्याख्या की है, और वो भी एक परीक्षण के दौरान, वो भी एक तर्क के दौरान व्याख्या की है। और तो दो तरह से अगर आप देखोगे, एक तो केवल इंद्रिय ज्ञान के आधार पर, और दूसरी जो व्याख्या उन्होंने संध निमोचन सूत्र में भी कहा गई, तो उन्होंने जो द्वितीय धम्म चक्र में वो भी एक निर्यार्थ के रूप में माना है, तो उनको भी एक चित्त के दौर पर अभ्यास के दौरान परीक्षण के दौरान कुछ जानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के जो वचन है प्रथम धम्म चक्र द्वितीय धम्म चक्र उपदेश, और तो भगवान बुद्ध ने जब तीसरे धम्म चक्र उपदेश दिया तो इन दोनों धर्मों दो धम्म चक्र उपदेशों को आधार बनाते हुए उनकी एक तरह से व्याख्या की, तो उसमें यही रखा कि वास्तव में जो कहा गया उसमें हेतु है कि नहीं, कारण है कि नहीं, और अंतिम धम्म चक्र उपदेश को अगर देखें तो उसमें संध निर्मोचन सूत्र, तो उसमें भी एक प्रकार से निर्वाण सूत्र का भी व्याख्या की गई है, तो उसमें भी जो तथागत गर्भ का जो सार है, तथागत गर्भ उसके सूत्र के नाम की व्याख्या की गई, तो उसमें कहा जाता है कि जो हमारे विषय हैं, विषय के प्रभावशीलता किस प्रकार से है, उनकी अगर व्याख्या देखोगे तो द्वितीय धम्म चक्र उपदेश की जो व्याख्या है उसकी और ज़्यादा तृतीय धम्म चक्र में एक प्रकार से परीक्षण किया गया, तर्क वितर्क किया गया। द्वितीय धम्म चक्र में जो विषय है उसके जो प्रभासर उसके बारे में व्याख्या की गई कि जितने भी धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, और फिर तृतीय धम्म चक्र विद जो हमारे चित्त है उसके प्रभासर की व्याख्या, और गौतम रिंपोछे ने भी कहा था कि द्वितीय धम्म प्रथम द्वितीय धम्म और तृतीय धम्म चक्र उपदेश में, तो वो उसी प्रकार से व्याख्या है जिस प्रकार से एक ऊंचे पहाड़ पर हम चढ़ते हैं, तो पहले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता होती है, तो क्रम से हम उस पर चढ़ सकते हैं, तो पहले चार आर्य सत्यों 16 आकार, और फिर जो हमारे निरोध सत्य मार्ग इत्यादि की व्याख्या की, फिर धीरे धीरे और जैसे आप व्याख्या तो और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रज्ञा पारमिता दर्शन या उसके सूत्र, फिर और अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो चित्त के प्रभावशीलता के लिए तृतीय धम्म चक्र उपदेश, और वो भी इसलिए कि हमारे जो जिन जिस चित्त को जो एक प्रकार के स्पष्ट चित्त है, स्पष्ट प्रकार का मन है, उसको किस प्रकार से जाने, किस प्रकार से उसको परखें। तो जोनंग के खेम्पो, तो वहाँ पर संतों अर्थात जो पर शून्य के बारे में व्याख्या करते हैं, तो वो एक प्रकार सूक्ष्म चित्त के व्याख्या वे करते हैं, तो ये इस प्रकार के सूक्ष्म चित्त की व्याख्या तंत्र में भी देखने को मिलती है। तो जे रिंपोछे की ग्रंथ में उन्होंने जो कि सूक्ष्म चित्त की व्याख्या की, तो ये चार आर्य सत्य वो कहे कि ये अन्य के शून्यता के रूप में माने जाते हैं,
और जो बेसायक या चित्त के जो 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 प्रवासर है और जिसको हमें एक प्रकार से जानना चाहते हैं, जो जो विषय है वो शून्यता को, तो शून्यता जो है स्वशून्य है, इस तरह से माना जाते हैं। तो जैसे कि हृदय सूत्र में कहा गया, रूप शून्य, शून्यता ही रूप है। तो इस प्रकार से एक एक दूसरे के परस्पर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप इनकी व्याख्या करके देखोगे तो ऐसा समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जैसे ही बुद्धत्व को प्राप्त किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस प्रकार सा जो गंभीर धर्म उपदेश प्राप्त किया वो किसको दिया जाए। तो वहाँ पर जो गंभीर शब्द जहाँ तक कहा जाता है और बृहद की जो जहाँ व्याख्या की जाती है, तो वो शून्यता और जो निरोध सत्य की व्याख्या और होशर जो तिब्बती में शब्द है अर्थात प्रभासर, वो तृतीय धर्मचक्र को इंगित करते हैं। तो इनकी व्याख्या जो कि गुरु योग के समय में व्याख्या करते हैं, तो अगर आप इस प्रकार से अगर जुड़ करके व्याख्या करते हो तो आप कर सकते हो। तो अब यहाँ सार के जो कि रत्नावली प्रारंभ होगा, तो सार के रूप में कहा जाए तो हमारे जो बोध चित्त के अभ्यास, तो नागार्जुन द्वारा जो के जो छः जो रत्न जो रचना है नागार्जुन द्वारा छः ग्रंथों की व्याख्या है, व्याख्या उन्होंने ग्रंथों की रचना की, उसमें से रत्नावली एक ग्रंथ है। तो एक प्रकार से इसके और इसके जो जो जिनको व्याख्या की, तो नागार्जुन ने एक राजा को इसको एक प्रकार से उपदेश दिया था, अपने मित्र उनका जो मित्र एक राजा था उसको उपदेश दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो आप शासन जो कर रहे हैं उस समय कैसे करना चाहिए और किस प्रकार के आपको कर्मों को करना चाहिए, कुशल कर्म किस प्रकार से करें। तो राजा, तो भारतीय भाषा में इसको जो कि राजा परिकथा रत्नावली कहा जाता है। जो तिब्बती में सूत्र और शास्त्र हैं, पहले सबसे पहले भारत से उनका अनुवाद जब हुआ, तो जब अनुवाद होते थे, तो अनुवाद होते समय वहाँ लिखा जाता था कि किस ग्रंथ से अनुवाद किया गया, नाम दिया जाता था, तो जिससे कि पता रह सके कि किस ग्रंथ से व्याख्या की गई। इसलिए सबसे पहले भारतीय भाषा से ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहले जो बुद्ध और बोधसत्व उनको जो बुद्ध और बोधसत्वों को प्रणाम यहाँ पर किया जाता है। फिर इसके बाद समस्त दोषों में रहित सभी गुणों से अलंकृत एवं समस्त सत्वों के एक मात्र बंद सर्वज्ञ भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने सारे के सारे जो क्लेश हैं उनको नष्ट कर दिया, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिए, और वो भी और जितने भी जो जो हमारे अकुशल कर्म हैं उनको एक अपने एक प्रतिकारी के द्वारा नष्ट कर लिए, और उनको जो क्लेशों को नष्ट करके और सारे सारे जो गुण हैं उनको प्राप्त हो गए। तो जैसे कहा जाए कि हमारे चित्त के अंदर जो भी क्लेश हैं तो वो उनको प्राप्त उनको नष्ट किए, ऐसे तथागत बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। ये नागार्जुन की यहाँ स्तुति। और केवल आप शून्यता के अभ्यास करने से ही बुद्ध जो क्लेशों को नष्ट करें ऐसा संभव नहीं होगा, उसके लिए बुद्ध चित्त की जरूरत रहती है। और उसके साथ साथ हमारी जो छह पारमिताएं हैं उनका भी अभ्यास होना चाहिए। और इसमें कहा गया कि जो सभी सत्वों के समस्त सत्वों के एकमात्र सब सर्वज्ञ हे राजन, एकांत कल्याणपूर्ण कल्याणभू धर्म के उत्कर्ष के लिए तुम्हें धर्म कहने जा रहा हूँ, क्योंकि सद्धर्म के पात्र में ही सिद्ध को प्राप्त होता है।
और धर्म का अभ्यास करने के लिए तो भगवान बुद्ध ने जो पूर्व में जो व्याख्या की है और उसको हमें बार 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 अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने खुद जो बौद्ध जो बुद्धत्व प्राप्त की है वो परहित के लिए दूसरों के सत्वों के हित करने के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो उनका जो उद्देश्य था वो आकाश के समान अनंत प्रकार के सत्व हैं उनको जो बुद्धत्व की भूमि को प्राप्त करा सकें, इस उद्देश्य से उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। और केवल क्लेश ही नहीं, क्लेशों के जो भी वासनाएं थीं वो उनको समूल नष्ट करके बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो उन्होंने एक मार्ग का जो व्याख्या की है, अगर आप उस मार्ग पर ठीक से नहीं चलोगे तो निश्चित रूप से जो सधर्म है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों का जो मानव शरीर प्राप्त होते हैं तो उसमें 18 प्रकार के जो छड़ संपदा हैं उनको प्राप्त होना चाहिए। तो उसमें भी एक प्रकार के जो कि उसमें से एक जो हम भगवान बुद्ध के शासन के समय यहाँ पर हैं और उसमें तो ये जो हमारा जो शरीर प्राप्त है तो उस समय भगवान बुद्ध के संपूर्ण जो दर्शन है जो धर्म है उसका मैं अभ्यास कर सकूँ। तो जहाँ पहले अभ्युदय धर्म है बाद में निस्त्रेज का उदय होता है, क्योंकि अभ्युदय को प्राप्त करके क्रमशः निस्त्रेज को प्राप्त किया जाता है। तो बिना अभ्युदय को प्राप्त किए निस्त्रेज को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो उसके लिए जन्मों जन्मों तक हमें अभ्यास करना चाहिए। इसमें सुख को अभ्युदय और मोक्ष को निश्रेष माना गया है। संचय में कहें तो इसके साधन सार रूप में श्रद्धा और प्रज्ञा है। श्रद्धावान होने से धर्म का सेवन करता है और प्रज्ञावान होने से तत्व को जानता है। इन दोनों में प्रज्ञा प्रधान है और श्रद्धा पूर्वगामी है, इसलिए हमें जानना चाहिए। तो ऐसे कभी आसक्ति नहीं होना चाहिए कि ये मेरा धर्म है और मेरा है, इस प्रकार से इस विचार को छोड़ना चाहिए। तो इच्छा द्वेष भय और मोह के कारण जो धर्म का अतिक्रमण नहीं करता वह श्रद्धावान है, ऐसा जानना चाहिए। वह निश्रेष को उत्तम पात्र है। और वो भी आप एक उसके अर्थों को जान करके उसके एक कार्ड को जान करके जो कि श्रद्धा करने चाहिए। जो काय भाव और मन के सभी कर्मों का सम्यक परीक्षण का दूसरे और अपने हित को भली बात जानकर आचरण करता हुआ पंडित है वह विद्वान है। और जहाँ तक काय मन और वाक इन तीनों में से अगर देखा जाए तो प्रमुख हमारा मन होता है। तो मन के जो जहाँ तक है उसकी वजह से आसक्ति इत्यादि पैदा होती हैं और आसक्ति पैदा होने के बाद हम अलग अलग प्रकार के अकुशल कर्म करने लग जाते हैं, तो इनसे हमें विरत रहना चाहिए। तो सार के रूप में कहा जाए तो हमें जो हमारे अज्ञानता है उसके बस में नहीं होना चाहिए, विद्या में नहीं पढ़ना चाहिए। और उसको हेतु को जान करके और जितने भी धर्म है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इन चीज़ों को जानना चाहिए। हाँ
तो सबसे आप विदय को प्राप्त करने के धर्म एक प्रकार के जो जो दस अकुशल कर्म और उसके साथ साथ छह और जुड़ जाते हैं कि आप व्यभिचार न करना, दारू न पीना, और एक प्रकार से और जो दान को सम्मान की तरह से देना। तो लोग अक्सर हम करते क्या हैं कि पुण्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीबों को भिखारियों को जब हम दान देते हैं तो समय केवल उनको एक नीचा समझ करके, उनको एक दरिद्र समझ के कि हाँ ठीक है मेरे पास धन है मैं दे देता हूँ, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी तरह से उनको आप एक उनको अच्छी तरह से देना चाहिए। अहिंसा, चौर्य से विरत एवं पराई स्त्रियों का परित्याग, झूठ, चुगली, कठोर वाक्य, असंबद्ध जो प्रलाप है उस पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। लाभ तथा लोभ, परोघात और जो हमारी जो बुरी दृष्टि उसको त्याग कर, दस अकुशल पथ हैं उसके विपरीत दस जो अकुशल उनको छाड़ना त्यागना चाहिए। तथा लोभ परोघात इत्यादि तो ज़्यादातर जो हम लोग जो दस अकुशल कर्म करते हैं उसमें से देखा जाए कि जैसे कि मद्य का न पीना, दारू न पीना। एक दिन एक जो गृहस्थ परिवार जो थे वो दीक्षा उन्होंने ली, पांच सील के जो ली, तो फिर जब मैंने तो वो उसमें जैसे एक जो पांचवा जो सील होता है जो दारू न पीना, शराब मद्यपान न करना, तो ऐसे एक प्रकार एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे तो मेरे पास आए सर खुजलाते हुए, कहते हैं कि हम शराब तो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त नहीं छोड़ सकते तो आप कम पियो, फिर कम करते करते आप छोड़ सकते हो, इतना मत पियो कि आप नशे में धुत हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पूर्ण रूप से शराब को मद्यपान को छोड़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, और फिर अगर पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकें तो इतना न पियो कि आप गिर जाएं। जैसे कुछ लोग खाने के समय में दारी को पीते हैं या पार्टी इत्यादि में जाके थोड़े थोड़े पीते हैं, तो अगर आपसे नहीं छूट पाता तो थोड़े पहले थोड़े से लेकर के फिर धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए। तो कभी कभी लोग कोई अच्छे आयोजन में शामिल तो होते हैं, कोई पार्टी इत्यादि करते हैं, फिर दारू पी के एक दूसरे से झगड़े करते हैं, तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। तो जितना हो सके तो छोड़ सके तो अच्छी बात है, तो अच्छा रहेगा। मद न पीना, वैध जीविका, अच्छी तरह से आपका जीविका होने चाहिए और हिंसा नहीं होना चाहिए। आदरपूर्ण दान भी करें, पूज्यों की पूजा और मैत्री संक्षेप में जो हमारे दस अकुशल सोलह विद्य धर्म हैं। तो जैसे पूर्व में भी कहा कि जिसको आप दान देते हैं तो दान भी सम्मान से दान दें, फिर उसके बाद जो हमारे प्रेम जो मैत्री का अभ्यास करना, तो यह विद्या को प्राप्त करने के सोलह धर्म हैं। तो नागार्जुन के जो प्रमुख शिष्य आर्यदेव के जो चतुशतक में भी व्याख्या की गई है। तो जो दो नरक में पैदा होते हैं तो नरक में पैदा होने के या फिर जो हम जो दुर्गति जो हमारी होती है उसको रोकने के लिए सील का पालन करना चाहिए, तो उसको जानना भी चाहिए कि वास्तव में जिस चीज़ को हम कर रहे हैं वो कोई अनुचित तो नहीं है,
और ज़्यादातर हमारी जो मिथ्या दृष्टि रहती है, सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि, उसको भी त्यागना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जेरिम्पोछे ने के प्रति समुत्पाद स्तुति, उसमें भी व्याख्या की गई है क्या जो भी चीज़ें जो कि एक हेतु पर निर्भर रहती हैं, तो उनका हर एक का एक वजह होता है, उनको जानना चाहिए। तो जितने भी चीज़ें प्रति समुत्पन्न हैं, वो कभी भी स्वभाव से सिद्ध नहीं हो सकती हैं। तो जो भी चीज़ें प्रति समुत्पन्न हैं, वही जो कि मध्यम मार्ग है। तो जहाँ तक आश्रित होने का अर्थ है कि एक दूसरे पर निर्भर होना, कि अपना स्वभाव, अपने चीज़ को उत्पन्न होने, स्वयं उत्पन्न होने के लिए पर उत्पन्न निर्भर होना, फिर जो आश्रित, फिर उसके साथ भव होना, उत्पाद होना, तो उसके हेतुओं की वजह से अस्तित्व में आना, तो ये जानना चाहिए। तो प्रति समुत्पाद स्तुति में नागार्जुन ने भी व्याख्या की है। तो जो भी प्रति समुत्पन्न हैं, तो हमें जो दिखाई देते हैं, उस प्रकार से वास्तव में उसकी सत्ता नहीं रहती है। वो अपने एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, हेतुओं से उत्पन्न होते रहते हैं, और वो तभी संभव हो सकेगा जब आप के साथ साथ बोध चित्त का अभ्यास हो। तो लामा छोपे में भी, गुरु योग में भी इसकी जब पूजाएं की जाती हैं, उसमें भी व्याख्या की गई है, और इसको साथ साथ बोधचर्या अवतार के जो कहा गया है, तो उसमें उसको अगर दोनों को लेकर के अगर आप चलोगे तो लाभ हो गया, क्योंकि हमारे जो क्लेश के मूल हैं, तो उनको समूल नष्ट करने की ज़रूरत रहती है, उनको जड़ से काटने की आवश्यकता रहती है। तो उसकी जड़ एक प्रकार से या वजह देखा जाए, तो वो स्वार्थी चित्त की वजह से आते रहते हैं। तो इससे जब जितने ज़्यादा हमारे क्लेश रहेंगे, तो तुरंत तो हमें एक प्रकार से दुखी तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हमेशा ये दुखी हमें करते रहते हैं। तो इसलिए अंतिम समय के लिए हमें जो कि निस्त्रेस को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो शून्यता का दर्शन बोध चित्त के सहयोग से होना चाहिए, बिना बोध चित्त के शून्यता का अभ्यास करना उतना आसान नहीं रहता है। तो सबसे पहले जितने भी जो बुराइयां हैं, जो क्लेश हैं, उनको नष्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारे अकुशल कर्म हैं, उनको आप प्रहार करें, उन प्रहार करने के बाद जो शून्यता का दर्शन है उसको जानें। और जितना हो सके उतना अभ्यास करें, क्योंकि हमारे अंदर मैं की भावना बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, लेकिन आप परीक्षण करोगे तो फिर नहीं मिलेगा आपको कहीं, चाहे शरीर में, या फिर आप शरीर में देखें, सिर में देखें, कहीं भी देखें, तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मेरा मन, मेरा शरीर, लेकिन ये मैं कहाँ पर है? तो एक प्रकार के एक आत्म के रूप में मान के बैठे हुए हैं। तो जिसको मैं को एक प्रकार से उपयोग करते हैं, इस प्रकार की हट करके जो आत्म है वो कहाँ है, कहीं देखने को मिलती है क्या? तो वास्तव में अगर अच्छी तरह से अगर परीक्षण करेंगे, तो कहीं भी उसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमें जानना चाहिए। तो इसके जो जहाँ तक हमारे जो स्कंद है, तो वो स्कंद भी कोई मैं का अस्तित्व ऐसा नहीं है। तो इनके आधार पर
केवल और केवल इनका नाम मात्र दिया गया है। तो इस प्रकार से जब मैंने सोचा तो काफ़ी मन में परिवर्तन आया कि स्कंदों पर केवल और केवल नाम मात्र के रूप में है। तो समय जब जो एक मैं को न मानना अनात्म को जानने का अर्थ कि जो जो पुद्गल निरात्म एक स्थूल प्रकार के उसको समझ सका, तो इसलिए जो के जो हमारे स्कंद हैं एक आधार के रूप स्कंद वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनको उनके आधार पर एक प्रकार से आत्मा का या फिर जो 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 के संज्ञा के नाम है या उसका नाम दे दिया जाता है। क्योंकि केवल शरीर को तपाने में धर्म नहीं होता, अतः इसके द्वारा न तो दूसरों के प्रति द्रोह के शांत होते हैं न दूसरों का अनुरोगी किया जा सकता है। दानशील और क्षमा से आलोकित धर्म के महापथ की अवहेलना करके शरीर को नष्ट करने वाले गलत रास्ता एक प्रकार से नहीं करना चाहिए। वह क्लेश रूपी सर्पों के समूह लिपटे हुए अंगों अगणित मनुष्य रूपी वृक्ष वाली भयंकर एवं सुव्यस्त संसार रूपी जंगल में लंबे समय तक भ्रमण करता रहता है। तो आखिर इसके बुराइयां क्या हैं? तो इसकी बुराइयों के बारे में अगर समझोगे तो ये जान सकोगे कि हिंसा से अल्पायु होती है, भी हिंसा से बहुत सी बाधाओं से ग्रस्त होते हैं, चोरी से जो जो अभाव का संकट प्राप्त होता है, और परस्त्री गमन शत्रु से युक्त होता है, झूठ बोलने से अवहेलना का पात्र होता है, चुगली से मित्रों में फूट होती है, रूखे वचन से अप्रिय श्रवण करना पड़ता है, तथा या असंबंध जो बात करने से एक प्रकार से हमारे वचन प्रभाव से रहते हैं। इन अक्षलों का विपाक कहा गया है, विपरीत सभी कुशलों का फलोत्पाद होता है। लोभ द्वेष और मोह तथा इससे उत्पन्न कर्म अक्षल हैं, अलोभ द्वेष और अमोह तथा उनके उत्पन्न कर्म अक्षल हैं। अकुशल से समस्त दुख और सारी दुर्गतियाँ होती हैं, तथा कुशल से सारी सुगतियाँ और सभी जन्मों में सुख प्राप्त होता है। काय वाक और मन के द्वारा समस्त अकुशल कर्मों से निवृत्त तथा कुशल में सदा प्रवृत्त, इस प्रकार ये धर्म दो प्रकार का कहा गया है। इस धर्म से नरक प्रेत और त्रियक योनि से छुटकारा मिलता है, तथा मनुष्यों और देवताओं योनि में सुख संपद राज्य का विस्तार होता है। ध्यान प्रमाण और आरूप्य ध्यान से तो व्यक्ति द्वारा आदि सुख का अनुभव करता है। इस तरह संचय में शब्द धर्म और की व्यवस्था होती है। निश्रेष धर्म को सूक्ष्म गंभीर है, सूक्ष्म बुद्धों ने से जो अश्रुतमान अज्ञानियों के लिए भय पैदा करने वाला है। न मैं हूँ, न होऊंगा, न मेरा है, न होगा, इस प्रकार के सोच में अज्ञानी भयभीत होते हैं, परंतु पंडितों के भय का नाश होता है। यह समस्त प्रज्ञा अहंकार से उत्पन्न और मनस का से युक्त है। ऐसा प्रज्ञा प्रजा के एकांत तैसी भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं और मेरा यह कल्पना परमार्थ मिथ्या है, यथाभूत जैसा वैसे के ज्ञान से आर्यों की दृष्टि में ये दोनों नहीं होते हैं। पांचों स्कंद अहंकार से उत्पन्न है, और वह अहंकार ही वास्तव में मृषा है, जिसकी बीज मृषा से उत्पन्न अंकुर कैसे सत्य होगा। पांचों स्कंद अहंकार से उत्पन्न है, और अहंकार वास्तव में मृषा है।
तो आसक्ति इत्यादि इनकी कोई सपोर्ट हो इस तरह से नहीं रहता है और ये केवल और केवल मिथ्या दृष्टि की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी की सारी एक मिथ्या विकल्प है, मिथ्या विचार हैं। तो अभी तक जितने भी हमारे जो मिथ्या विकल्प हैं वो एक आदत में हमने बना लिए हैं, इसको एक रोज अभ्यास करके अभ्यास में हम लेके आए हैं। इस प्रकार से मिथ्या विकल्प हैं जो प्रेम, करुणा, मैत्री और संतोष इत्यादि, ये एक प्रमाणिक हैं, इनकी जरूरत रहती है, इनको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, अगर वास्तव में इसके प्रति ध्यान देंगे तो अपने क्लेशों को कम कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक क्लेश हैं तो क्लेशों को बार बार हम नष्ट कर सकते हैं, अलग अलग एंटीडोट का उपयोग करके कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रेम करना इत्यादि, उनको हम बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर आसक्ति और पैदा होती है तो उस समय उसको बढ़ाया जा सकता है और क्लेश इत्यादि को जो अभ्यास करके नष्ट भी किया जा सकता है। स्कंदों को असर देखने पर अहंकार प्रहार हो जाता है और अहंकार प्रहार होने से पुनः स्कंद का उत्पाद नहीं होता। जिस तरह दर्पण के आश्रय से अपने मुख का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है किंतु वस्तु में कुछ नहीं होता, उसी तरह स्कंदों का असर अहंकार की उपलब्धि होती है, वस्तु वह स्वकीय मुख के प्रतिबिंब की भांति भी नहीं होते हैं। जैसे दर्पण का आश्रय लिए बिना स्वकीय मुख का प्रतिबिंब नहीं देखा जाता, वैसे ही स्कंदों का आश्रय लिए बिना अहंकार भी उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार के अर्थों को श्रवण से आर्य आनंद को धर्म चक्षु प्राप्त हुई और स्वयं उन्होंने यह बात इच्छों से बार बार कही। जब तक स्व स्कंद निवेश होता है तभी तक अहम का भी ग्रहण होता है, अहंकार के होने पर भी कर्म होते हैं और उससे जन्म होता है। क्लेश, कर्म और जन्म नामक तीन वर्त मालूम अर्थ नचा मध्य एवं अंत में रहते हैं। संसार चक्र परस्पर भाव से अलगकृत की ओर निरंतर प्रवृत्त रहता है। इस प्रकार हेतु और फल की उत्पत्ति तथा उसके नाश को देखते हुए तत्वत लोक को अभिजात का नाश्ता से पतित होते हैं। तो हम अगर सार के रूप में कहें कि हम सभी लोग सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई भी नहीं है जो दुख चाहे, तो सुख और दुख जो है हमारे बिना हेतु को उत्पन्न नहीं है, ना ही नित्य हेतु से उत्पन्न है, ये सारे के सारे नित्य अनित्य हेतु से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए अगर ये अनित्य हैं तो अनित्य होने की वजह से इनको हम एक प्रकार के क्लेश उनको नष्ट कर सकते हैं और जो हमारे जो सुख हैं उनको पैदा कर सकते हैं। और जहाँ तक जो आसक्ति रूपी चित्त है, जो वास्तविक कोई चीज़ ना हो उसको भी फिर बढ़ा देते, एक प्रकार से बना देते हैं। तो हमारे जो आसक्ति हैं उनको नष्ट करने के लिए बोध चित्त की आवश्यकता रहती है, उसके साथ साथ शून्यता के अभ्यास करना चाहिए। तो आज यहाँ पर समाप्त करूँगा और कल बाकी का बचा हुआ बोधचर्य बता रहे उसको करेंगे। और कल जो महामयूरी का एक प्रकार से अनुज्ञा प्रदान करूँगा, तो चाइना में इसको ज़्यादा मानते हैं, तो मैं कल इसका अनुज्ञा दूंगा। तो ये तंत्र का एक अभ्यास है, लेकिन शुरुआत में इसमें बोध चित्त के जो संबर प्राप्त किए जाते हैं
तो आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।